गाइस आज के दिन का पहला हमारा जो मंदिर था, कौन सा मंदिर है? राधे कीर्ति मंदिर। राधे कीर्ति मंदिर हमारा पहला मंदिर था जहाँ पे हमने दर्शन कर लिए। आपको यहाँ का आपको मंदिर दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया मंदिर, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ही सुंदर मंदिर। तो अभी हम आ गए मथुरा से, हम आ गए अभी राधारानी मंदिर, पटना नाम है इसको। ये वासुदेव ये अभी मतलब डॉक्टर बनने वाला है, तो इसको हम भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाए। तो गाइस हम अगले मंदिर में आ गए, जो हमारा अगला मंदिर है राधा रानी का बरसाना, बरसाना में जो है बहुत यहाँ का खूबसूरत व्यू आने वाला है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर एक स्थित है और ये यहाँ पे राधा रानी गाँव है, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। बहुत भीड़ है यहाँ पे, आज हम आपको दिखाते हैं। ये मुके में चार प्लेट भर के सब्जी पूरी खाई थी सुबह, मतलब अभी आधे घंटे पहले, और वापस इसको भूख लग गई है और बोल रहा है कि वो डबलिंग मारूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा कि अब सीधे कल को खाने को मिलेगा अपन को, और इसको लग रहा है खा लिया आज का, इसको लग रहा है कल सीधा खाली खाएगा, खाली पूरे पूरे रास्ते में वो लस्सी है, अभी लस्सी तो खाऊंगा मैं, और देख वो वास्तव घूम गया है, अभी हम उसको लेने जाएंगे। तो अभी हमने राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं वापस हमारे गाड़ी की तरफ। अब देखते हैं हमको गाड़ी वाले भैया, हाँ भाई जो भी कही है हमारा, अब समझाए कि रिक्शा भी गाड़ी में ही आता है, भाई गाड़ी गाड़ी हो गए वो, दो पहिया की हो, तीन पहिए की हो। गाइस अभी हम बरसाना का जो राधा रानी मंदिर है वहाँ पे हम जा रहे हैं, और वहाँ पे कड़ी की चिड़ी मिलती है, लोगों ने कड़ी कड़ी पेड़ पर खा ली है, अब हम जा रहे हैं गंगाव। आप क्या ऑटो वाला जा लीजिएगा, वहाँ चल रहा है ये हमारे वासुदेव, जानते हो गए इनको आप, काफी ऊंचा जो मंदिर था नहीं, यहाँ पे तापमान इतना है और हम नंगे पैरों से चल रहे हैं। ये है ना, ये जल्दी से आके ऐसे खा रहे, चुपके चुपके देख रहे हैं, देख ये पी लिया ना, थोड़ा सा पी लेना, पी लिया ना, अरे कहाँ पिया, अरे पी लिया, एक एक पी लिया खा रहे। गाइस हम आ गए नन बाबा के गांव, नन बाबा, नन बाबा, और बस हम मंदिर पहुँचने आ गए। यह मंदिर बस वो दिख रहा है आपको थोड़ा मंदिर आई गई। गाइस तो हम पहुंच गए नंदगांव टेम्पल, वो तेज धूप है तो उस वजह से पूरा फर्श गर्म हो गया, और ये पगडंडी बनी है, यहाँ पर सभी श्रद्धालु, और यहाँ पर सभी श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस पर प्रवचन भी जारी कर रहे हैं। मनोज हर बिलोक में घुस जाता है, इसको कुछ काम तो है नहीं। गाइस गाइस ये फालतू मेरे पर इनको, इनको, इनको बिलोक में आना है, बहुत अच्छा लग रहा है क्या कि ये हमारे बिलोक में आ रहे हैं, हम तो बनाते रहते बिलोक हमारा, क्या ये पहली बार आएंगे, पहली बार आया तो थोड़ा बहुत आना पड़ता है, थोड़ा ये भी पहली बार आएगा ब्लॉग में हमारे, अब हमारा क्या है, हम तो बनाते रहते हैं, ब्लॉग बनाना है, कहीं चले गए। तो दोस्तों अभी हमने गिरिराज जी के दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं गिरिराज पर्वत जाएंगे आज, वहाँ जाके वो पर्वत का बताएंगे कैसे श्री कृष्ण जी ने उसको एक चींटी उंगली पर उठाया था,
बताते हैं हम आपको आगे जाके। गाइस जो आपको ये पर्वत दिख रहा है ये गोवर्धन पर्वत है जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी चीटी उंगली पर उठाया था। ये वही पर्वत है जिसे बारिश से बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने उठाया था। गोवर्धन से 7 किलोमीटर दूर हम यहाँ राधा कुंड देखने आए। यहाँ पे कृष्ण और राधा दोनों का कुंड है। और हम यहाँ पे आ गए हैं राधा कुंड स्नान करते थे। गोपियाँ भी स्नान करते थे। गाइस गलत बोल रहे हैं थोड़ा। चार गोपियाँ नहाती थी। अच्छा कृष्ण जी का है। यहाँ पे ये नहा रहे हैं मस्त तरीके से। ये और राधा कुंड में नहा लिए। अब जाएंगे हम कृष्ण कुंड में। कृष्ण कुंड बड़ा है राधा कुंड से। और ये राधा कुंड पे फोटोग्राफी कर रहे हैं हम। नहा तो लिए है तो इसके बाद फोटोग्राफी करेंगे। ये इसे देख लिए। ये अपना बोलना कुछ बोलना है तो कहीं नहीं। मेरे भाई को दिल से सब्सक्राइब और इसको लाइक करें फॉलो करें। तो गाइस हम आ गए कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। अब देखते हैं अंदर कहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था और कहाँ पे उनको कंस ने कैद करके रखा था। बताते हैं हम आपको। यहाँ से बैरियर्स लगे हैं। वासु ये दोस्तों ने हमारे सारे